नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हर जगह ब्रह्मास्त्र के चर्चे हैं, विशेषकर इसके बॉयकॉट करने के चर्चे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ज्योतिष का पक्ष। क्या ज्योतिष कहता है कि ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट करो या बॉयकॉट नहीं करो? ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष की क्या दृष्टि है? आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ, जिसे अधिकांश लोग इग्नोर कर देते हैं। वो है तीन ऋणों का सिद्धांत। जितने भी हिंदू हैं, हिंदू घरों में जन्मे हैं, हिंदू सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, सब पर तीन ऋण आवश्यक और अनिवार्य है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये सब पर लागू होता है। और हमने इस पर 9 बरस का रिसर्च किया और पाया कि ये अद्भुत ढंग से आपको पर्दे के पीछे काम करते हैं। आपके जीवन में जितनी भी अचानक से बड़ी ऐसी घटनाएं जिसको आप संभाल नहीं सकते हैं, ऐसी समस्याएं जो आपको तोड़ देती हैं, ये ऋण अगर ये बिगड़ जाए तो आपके जीवन में ऐसी समस्याएं लेकर आता है जिसका समाधान आपके पास नहीं है। आपकी जिंदगी बिखर जाती है, आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है, लोग आपका सम्मान करना छोड़ देते हैं, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं ये। विशेषकर इसमें देव ऋण और पितृ ऋण, ये आपको बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रह्मास्त्र में देखने से क्या हमारे तीन ऋण चौपट होंगे या चौपट नहीं होंगे। अगर हमारे ये तीन ऋण चौपट हो रहे हैं तो हमें ब्रह्मास्त्र मूवी नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र मूवी ब्रह्मास्त्र नाम से नहीं आ रही थी, ब्रह्मास्त्र मूवी ड्रैगन नाम से आ रही थी और उसका जो नायक था उसका नाम रूमी था, जो एक सूफी था। अर्थात ये रूमी नाम जलालुद्दीन रूमी के नाम पर रखा गया था, जो की एक सूफी, और सूफियों ने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए हैं। औरंगजेब भी एक सूफी था जिसने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़वा दिया। अर्थात सूफी सिद्धांत हम पर थोपने की साजिश से, यानी इस फिल्म के माध्यम से सूफी के जो सिद्धांत है, सूफी के जो इस्लामी सिद्धांत है, हम पे थोपने का प्रयास किया पिछले दरवाजे से। फिर उन्होंने देखा कि हिंदुओं में जागृति बढ़ रही है, तो सोचा कि चलो इस सूफी कहानी को हिंदू धर्म के चाशनी में डुबो कर इसको दिखाते हैं ताकि हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस ड्रैगन फिल्म का नाम बदल के ब्रह्मास्त्र कर दिया और जो फिल्म का हीरो था उसका नाम रूमी होना था उसका नाम बदलकर शिवा कर दिया। एक इस्लामी कहानी को हिंदू रंग से रंग कर हमें परोसने का प्रयास किया। अर्थात ये पहली बड़ी समस्या है। इससे आपका ऋषि ऋण प्रभावित होगा, आपका ऋषि ऋण चौपट होगा, यानी कि आपकी शिक्षा व्यवस्था कुछ नए सिद्धांत देने में, कुछ सीखने में, आपके बच्चों के सीखने में समस्या आएगी। दूसरी बात जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमें एक वीडियो देखनी पड़ेगी। कुछ समय पहले रणबीर कपूर जो इस फिल्म के हीरो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे गाय का मांस खाना बहुत पसंद है। आइए यह बात उनके मुख से ही सुनते हैं। You know, I mean, my family used to have paya for breakfast. Now that's a bit hardcore, you know. It is. My family's from Peshawar, so a lot of Peshawari influences in the food has also come with them. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. I'm a big beef guy. तो आपने देखा कैसे रणबीर कपूर ने खुलेआम कहा कि मुझे गाय का मांस खाना बहुत पसंद है। रणबीर कपूर के बाप ऋषि कपूर ने भी कहा था कि वो भी गाय का मांस खाते हैं। और ये बात कब पता चली हमें? जब उनका फिल्मी करियर समाप्त हो गया तब उन्होंने एक बात कही थी। इसकी पत्नी आलिया भट्ट भी गाय का मांस खाती है, इसका ससुर है महेश भट्ट भी गाय का मांस खाता है। अर्थात पूरी की पूरी फैमिली गाय का मांस खाने वाली है। और हमारे हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र प्राणी कहा गया है। ज्योतिष में गाय को शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है। हमारे हिंदू राजाओं ने, हिंदुओं ने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं। और हमारे समाज में आज भी कहा जाता है कि गाय खाने वालों का भरोसा नहीं करते। ये सब बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर आप ब्रह्मास्त्र देख रहे हैं तो आपके देव ऋण और विशेषकर पितृ ऋण चौपट हो जाएंगे और इससे आप भी प्रभावित होंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी। एक बड़ा कारण है इस फिल्म को नहीं देखने के लिए और दूसरों को भी नहीं देखने के लिए कहने के लिए। तीसरा कारण मैं दिखाता हूँ आपको, यह ब्रह्मास्त्र मूवी आपके पितृ ऋण को एक और कारण से बिगाड़ सकती है। वो है कि ये जो लड़की है श्रीनी वर्मा, वो धर्मा प्रोडक्शन यानी कि जो ये फिल्म है ब्रह्मास्त्र, इसकी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। और इसने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था जिसमें इसने हिंदू लड़कियों को मांस के टुकड़े की तरह प्रस्तुत किया। जैसे इसने लिखा था कि हिंदू बिहारी लड़कियां किसी काम की नहीं होती, दो कौड़े की भी नहीं होती, नो रेट फॉर हिंदू बिहारी गर्ल, यानी किसी काम की नहीं। और फिर उन्होंने लिखा था हिंदू लड़कियों के रेट, हिंदू ब्राह्मण गर्ल 5 लाख में मिलते हैं, कोई मुसलमान फंसा लेता है तो हिंदू ओबीसी को 2 लाख मिलते हैं, गुजराती को 3 लाख रुपए मिलते हैं, यानी कि इसने हिंदू लड़कियों का बहुत भारी अपमान किया था। ये आपके पितृ ऋण और देव ऋण को चपट करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। आपका सम्मान सीधे सीधे पितृ ऋण से जुड़ा हुआ है और कोई आपका मजाक करता है उसको आप सह लेते हैं तो आपका पितृ ऋण चौपट हो जाता है। कभी भी आपका अपमान करने वाला, कभी भी आपके देवताओं का अपमान करने वाला, कभी भी आपके पूर्वजों का अपमान करने वाला आपको अगर सर पे चढ़ा लेते हैं, उसको उसके साथ आप व्यापार करते हैं, उसको आप पैसे देते हैं फिल्म देखकर, तो आपका पितृ ऋण एकदम ही चौपट हो जाता है। और पितृ ऋण चौपट होने से आपका सम्मान कम होगा, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है ये। एक और मैं दिखाता हूँ, इस फिल्म से एक और आदमी जुड़ा हुआ है, उसका नाम है शाहरुख खान।
आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, देखिए कैसे शाहरुख खान ने इस फिल्म में लक्ष्मी माता के मूर्ति को फेंक कर तोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, देख लक्ष्मी माता का मूर्ति कैसे गिर गया, अब कैसे उसने फेंका, वो टूट गई और भागकर जा रहा है। यानी कि मुसलमानों ने मूर्तियां तोड़ी और आज भी मुसलमान मूर्तियों को तोड़ना चाहते हैं। बहुत बार तो खुलेआम नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए स्क्रीन पर ही तोड़ देते हैं, स्क्रीन पर ही उनका अपमान कर देते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों की फिल्में देखते हैं, ऐसे लोगों के सामान भी खरीदते हैं या जो उनका प्रचार करते वो भी खरीदते हैं, आपके देव ऋण और पितृऋण को चौपट करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप शाहरुख खान का कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तब भी इससे आपका देव ऋण और पितृऋण चौपट हो जाएगा। देख रहे हैं, जो लोग हमारे देवताओं का अपमान करते हैं, हमारे गाय को काटते हैं, गाय को खाते हैं, हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, हमें अपराधी दिखाने का प्रयास करते हैं, हमारे पूर्वजों का अपमान करते हैं, ये लोग हमारे पैसे के अधिकारी नहीं है। अर्थात ज्योतिष कहता है, हिंदू धर्म शास्त्र कहता है कि ब्रह्मास का बैकआउट होना चाहिए, पूरे पूरे बॉलीवुड का बैकआउट होना चाहिए और बॉलीवुड के लोग जिन सामानों का प्रचार करते हैं उनका भी बैकआउट होना चाहिए। आप सोचिएगा इसके बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।